तो दोस्तों लीजिए आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का जो पेपर है वो लेकर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सबके लिए ये पूरा पेपर हल सहित आपको मैं बताऊँगा। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका ये पेपर उत्तर सहित आपको मैं बताने ही वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना देर किए आपका पूरा पेपर हल सहित एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो ये पूरा अंग्रेजी का पेपर आपका। सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पर आपको दिया है। सेक्शन ए में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हल करना है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस पैसेज को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, द ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट एक्साइल ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर। तो इसमें आपको डिलाइटफुल कंप्लीट उत्तर में लिखना रहेगा, डिलाइटफुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मींस आर्टिकल ऑफ नीड। तो आर्टिकल ऑफ नीड का उत्तर होगा नेसेसिटीज, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, द रिकॉग्नाइज्ड राम एज द लॉर्ड। तो यहाँ पर संत आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। सीता फेल इंटू द हैबिट ऑफ, तो ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है सीता फेल इंटू द हैबिट ऑफ कुकिंग। तो ये जो कुकिंग है ये आपको यहाँ पर इस खाली स्थान में लिख देना है। अगला देखिएगा, राइट द एंटोनिम्स ऑफ लॉस। ये जो लॉस वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस लॉस का LOSE लॉस, इसमें आपको लॉस का क्या बताना है, प्रॉफिट बता देना है। LOSS लॉस का प्रॉफिट आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू। इसको आपको पूरा एग्जैक्टली पढ़ना है और आंसर आपको देना है। ही वाज एन एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ हिज हाउस इज आनंद भवन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू वाज ए बिजनेसमैन एन एडवोकेट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था एन एडवोकेट, ये लिखा हुआ है एन एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आप करेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद में देखिए, चिल्ड्रन लविंगली कॉल्ड नेहरू, मतलब बच्चे प्यार से नेहरू जी को क्या कहते थे, तो चाचा कहते थे। क्या कहते थे, चाचा। तो ऑप्शन नंबर थ्री में लिखा है चाचा। नेक्स्ट देखिए, नेहरू जी लव्ड प्लेइंग, तो ही प्लेड क्रिकेट, ये यहाँ पर लिखा है ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिख देंगे, यहाँ पर आप क्रिकेट लिखेंगे। इसके बाद में, व्हाट वाज द नेम ऑफ नेहरू जी हाउस, तो यहाँ पर आनंद भवन, देखिए ये आनंद भवन, आनंद भवन। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, आनंद भवन लिख देना है, आनंद भवन, ठीक है। इसके बाद में, राइट द एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव, तो ब्रेव का आएगा फियरफुल, फियरफुल, ठीक है। इसके बाद में आपको ये नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल। इसका सुटेबल टाइटल देना है आप लोगों को और नोट्स बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एप्लीकेशन करनी है और लेटर करना है, अथवा में क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको ऐसे बताया है। देखिए अब डिवाइस डायरेक्टेड सेक्शन सी वाले जो है हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है डिवाइस डायरेक्टेड, से पहले ये पैराग्राफ जो दिया है इसको आपको वर्ड लिखना रहेगा। लगभग लगभग इसमें आप 7 से लेकर 8 वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको एनी 5 करना है। ही इज, तो यहाँ पर आपको ए लिखना है, ही इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी दैट यू हैव नॉट एनीथिंग इन द रूम ऑफ द लॉक। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट लिखना रहेगा, LEFT लेफ्ट, ठीक। आई विश आई वर अ किंग, ठीक है, आई वर अ किंग, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ 5 o'clock। तो यहाँ पर इन और बाय में से लिखना है इन, यहाँ पर इन लिखेंगे, इन माई वॉच। नेक्स्ट, ही लॉस्ट द मनी ही
हैड, तो यहाँ पर ऑल लिखना है, ऑल ऑल, ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, ठीक है। इसके बाद में सिक्स वाला देखिए, इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बना देना रहेगा इसको करेक्ट, ठीक है। ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक, बिकॉज, इसमें आपको बिकॉज लिखना है यहाँ पर खाली स्थान में, ठीक है, यहाँ पर आपको बिकॉज लिख देना है। अब देखिएगा डू एज डायरेक्टेड, ये जो डू एज डायरेक्टेड है इनके सारे उत्तर देखिए आप सभी। सबसे पहला है रीना सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, चेंज द स्पीच, स्पीच आपको इसकी चेंज करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको फर्स्ट में स्पीच में लिखना है रीना सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका बना देंगे, ठीक है। अब देखिए द पीपल, पीपल विल ब्लॉक द रोड, चेंज द वॉइस, इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। तो इसका वॉइस कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा द रोड विल बी ब्लॉक्ड बाई पीपल, द रोड विल बी ब्लॉक्ड बाई पीपल, ठीक है। इसके बाद में आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, चेंज इन टू नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको लिखना है आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट कट, आई डिड नॉट कट माई नेल्स, माई नेल्स लास्ट इवनिंग, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है ही वर्क्स हार्ड ही मे गेट सक्सेस, यूज सो दैट, सो दैट का यूज करना है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा ही वर्क सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस, ठीक है, ही वर्क सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस, इस प्रकार से। और इसके बाद में ये देखिएगा आपका जो डूज डायरेक्टेड है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, यू ट्रीट मी लाइक यूर ब्रदर आई विल हेल्प यू कंबाइन विथ एज सुन एज, तो इसमें एज सुन एज में इस प्रकार से बना देंगे, एज सुन एज यू ट्रीट मी लाइक यूर ब्रदर आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो सारा ये डूज डायरेक्टेड आप अभी इसमें कंप्लीट इस प्रकार से कर सकते हैं।